जब घर में नन्हा मेहमान आता है तो घर खुशियों से भर जाता है। चंडीगढ़ के रहने वाले संदीप भी बिटिया के जन्म की खुशी में फूले नहीं समा रहे। अभी वो 1 महीने की है। संदीप दोस्त रिश्तेदारों को पार्टी देने की तैयारी कर रहे थे कि बिटिया को जॉन्डिस हो गया। हफ्ते भर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। पूरी बचत इलाज में ही खर्च हो गई। संदीप पार्टी के लिए मन महसूस कर ही रह गए। अगर संदीप ने बिटिया का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। आजकल अधिकांश लोगों के पास पहले से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होती है। इसका नियमित अंतराल पर प्रीमियम जमा करना होता है। इसके बाद ये पॉलिसी रिन्यूअल होती है। घर में जब नया मेहमान आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराते वक्त उस बच्चे के नाम को भी शामिल करना जरूरी होता है। फैमिली फ्लोटर प्लान में कुछ प्रीमियम जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन ये सबसे सरल प्रक्रिया है। अगर आपके पास कोई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, यानी दफ्तर से आपको एक इंश्योरेंस प्लान मिला हुआ है, तो उसमें भी बच्चे के नाम को शामिल करना नहीं भूलिएगा। आजकल कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बच्चों के लिए अलग से बीमा कवर भी दे रही हैं। इनमें आदित्य बिरला एक्टिव अश्योर्ड डायमंड प्लान, बजाज आलियांस हेल्थ गार्ड प्लान, भारतीय अक्सा की हेल्थ एडवांटेज प्लान और केयर प्लस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान शामिल हैं, जिनमें 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का कवर मिल रहा है। अब ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होता है। अगर बच्चा अस्पताल में 24 घंटे यानी एक दिन से ज्यादा समय तक भर्ती रहता है तो बीमा पॉलिसी इस खर्च को कवर करेगी। इस खर्च में आईसीयू चार्ज, दवा, जांच, रूम रेंट, नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर की फीस आदि शामिल है। इन पॉलिसियों में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च को भी शामिल किया गया है। इस तरह के खर्च में भर्ती होने से 60 दिन पहले और छुट्टी मिलने के 180 दिन बाद तक का खर्च कवर किया जाता है। ज्यादातर पॉलिसियों में बच्चे के वैक्सीनेशन का खर्च भी कवर्ड रहता है। हालांकि इसमें 2500 रुपए तक की सब लिमिट भी हो सकती है। सब लिमिट का मतलब हुआ कि बीमा कंपनी वैक्सीनेशन का खर्च कितना देगी ये पहले से ही तय होगा। जिन लोगों के पास पहले से मटर्निटी पॉलिसी है उसमें 90 दिन तक के बच्चे के लिए ये कवर शामिल होता है। अब समझिए क्या होती है बच्चे की न्यूनतम आयु जब उसे कवर मिलेगा। नवजात के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जोखिम होता है, इसलिए अधिकांश बीमा कंपनियां 90 दिन बाद बीमा कवर देती है। हालांकि मैटरनिटी बीमा में 90 दिन तक के बच्चे को कवर में शामिल किया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बच्चे के जन्म के साथ ही बीमा कवर मुहैया कराती हैं। ऐसे में आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। इनमें से आपको जो बेहतर लगे उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अलग अलग कंपनियों की योजनाओं को एक बार कंपेयर जरूर कर लें। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए उनके बीमार होने की आशंका ज्यादा रहती है। इसी तरह बच्चे दुर्घटना के भी शिकार हो सकते हैं और इस जोखिम को कवर करने के लिए भी बच्चों के लिए हेल्थ बीमा कवर लेना जरूरी है। हालांकि अब बहुत सारी कंपनियां चाइल्ड स्पेसिफिक बीमा प्लान लेकर आने लगी हैं, लेकिन इन्हें तभी खरीदने में समझदारी है अगर आपके पास पहले से कोई हेल्थ प्लान नहीं हो। अगर आपके पास पहले से एक फ्लोटर हेल्थ प्लान है तो नए जन्मे बच्चे को उसी का हिस्सा बनाएं, यानी उसका नाम शामिल करें। इससे आपको अलग अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही प्रीमियम भी सस्ता पड़ेगा। परिवार में नया मेहमान आने पर माता पिता के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आजकल हर माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा इंसान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल हो। यदि बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वो जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। बच्चे की सेहत की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है। आड़े वक्त में ये आपकी वित्तीय मदद करता है। छोटे बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी खर्च काफी ज्यादा होते हैं और बच्चे के लिए जो भी स्वास्थ्य बीमा कवर ले रहे हैं, सबसे पहले ये पता करें कि उसमें कौन कौन से खर्चे कवर होंगे।